Hello everyone. Today we are going to start our first topic, speed, time and distance. Speed, time and distance. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि यार ये टॉपिक सिर्फ आपका गेट में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा. बहुत सारे पीएसयूज हैं जिनका एग्जाम होता है, जैसे सीआईएल, इसरो, फैक्ट एंड वाइजेक स्टीव. तो ऐसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जिनके एग्जाम होते हैं, जिनके अंदर में एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है. तो आपकी हेल्प ये उसमें भी होगा. सेम टॉपिक आपका वहां भी पूछा जाता है और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे अगर कुछ बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि कैट का एग्जाम भी देना है, तो कैट में भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से पूछा जाता है. अराउंड 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चन. और नेक्स्ट कुछ बच्चे सीडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वहां भी आपका ये हेल्प करेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट में आपने पहले कुछ और पढ़ लिया, उसके बाद में इनके लिए आपको अलग से स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा. नहीं, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि बार बार आपको इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ने की नीड ही ना हो. ठीक है, तो हम सारी चीजें एक बार में ही सारी चीजें क्लियर करेंगे. इन सब एग्जाम्स में आपकी ये हेल्प करेगा. ऊपर से जब कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आपके कॉलेज में आती है, जैसे कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, तो अगर उसको अपनी कंपनी रिक्रूटमेंट्स के लिए भी इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कुछ कंपनियां होती हैं जो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती हैं. ठीक है, तो वहां भी ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट एक और चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि यार आप फॉर्मूला रट लोगे सारे के सारे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे. थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर आपकी मुझे यहाँ चाहिएगी कि जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपका जब भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का आता है तो आपको करना क्या होगा, आपको खुद एक इमेज बनानी होगी वहां पे. और मुझे पता है सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सबकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है. तो आपको करना क्या होगा, जब भी कोई टॉपिक आएगा तो आपको वो एक इमेज बनानी होगी कि आप जैसे कि कोई किसी क्वेश्चन में बोलता है कि ए मैन ट्रेवल्स इन ए ट्रेन विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको वो सोचना होगा कि आप जैसे खुद किसी ट्रेन में बैठे हैं और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, इससे बहुत हेल्प होगी. देखना आप जैसे जैसे क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने इजिली आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो. ठीक है, एक और चीज कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है. एक बार की बात है, मैं गेट की क्लास ले रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे वहाँ पे. तो बच्चे ने बोला कि सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो गेट में कभी आते ही नहीं है. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, कुछ लोगों ने तो उसको सॉल्व करने में 2-2 पेज तक फिल कर दिए थे. मैंने देखा उसका सोल्यूशन, इतना बड़ा था नहीं वो क्वेश्चन एक्चुअली, बट उसे बना दिया गया. ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यार इजी क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, या स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के 2 कॉन्सेप्ट तो हमारे सिलेबस में है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट हमारा, ऐसा नहीं है. ठीक है, वो चीज यहाँ नहीं होगी कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट में बने होंगे आपके. ठीक है, इसके अलावा होता क्या, देखो ये सारे एग्जाम्स मैंने बता दिए, सीआईएल, इसरो, फैक्ट, वाइजेक स्टील, कैट, सीडीएस या और भी जितने एग्जाम्स होंगे, सब में होगा क्या. देखो यार ऐसा नहीं होगा कि यार स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले गेट में आएंगे, थर्ड वाला ऐसा कभी होता ही नहीं है. ठीक है, क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट्स पे बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज किया जाता है. उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, वो क्या करेगा, स्पीड का जो स्पीड है कहीं पे 50 किलोमीटर पर आवर है तो उसको चेंज करके 70 कर देगा. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है तो लैंग्वेज के अंदर में चेंज हो, बाकी आपको कहीं भी कोई चेंज नहीं मिलेगा. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. देखो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक चीजों पे चलेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की डेफिनेशन की. ठीक है, कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन मुझे पता है सबको आती है, सबको पता है कि स्पीड क्या होती है. ठीक है, बट स्पीड की डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखना स्पीड क्या होगा आपके पास में. स्पीड क्या होगी आपके पास में, डिस्टेंस ट्रेवल इन
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो देखो क्या होगा कि एक यूनिट टाइम में, ठीक है, इन यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. इस चीज का ध्यान रखना कि एक यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. मतलब क्या है इस चीज का, अगर मान लीजिए आप 3 आवर्स में 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, 3 आवर्स में 15 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो 1 आवर के अंदर में जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो कितना हो जाएगा, 15 / 3 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. अब देखिए ये क्या है, आपके पास में यूनिट टाइम है और यूनिट टाइम में आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 5 किलोमीटर. तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये हमारी बहुत हेल्प करेंगी बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी बनाने में, ठीक है. वहां हम इनका यूज करेंगे कि 1 आवर में जो डिस्टेंस आता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है. आप देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे. अब हम बात करते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन लिखी. तो स्पीड क्या होती है आपके पास में, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे. तो स्पीड हो जाएगी आपके पास में डिस्टेंस अपॉन में टाइम. बस ये एक ही फॉर्मूला है जो पूरे स्पीड टाइम डिस्टेंस में चलता है. और यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो. डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास में, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. एंड अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम क्या होगा यहां पे, टाइम हो जाएगा आपके पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर आता है हमारा यूनिट्स. हम आप सबको पता है कि जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं वो 2 यूनिट्स होंगी. डिस्टेंस के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होंगी या तो हम किलोमीटर यूज करते हैं या यूज करते हैं मीटर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम हम किस में मेजर करते हैं हमेशा, या तो आवर में या फिर सेकेंड्स में, या किस में, सेकेंड्स में. तो हम 2 ये स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं डिस्टेंस को किलोमीटर में एंड मीटर में, टाइम आवर एंड सेकेंड में. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे टाइम के लिए मीटर नहीं मिलेगा, या ऊपर हो सकता है डिस्टेंस में वो आपको माइल्स भी दे दे, बट हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे. मैक्सिमम टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किलोमीटर, मीटर एंड आवर एंड सेकेंड में ही आपसे पूछे जाते हैं. ओके, अगर हम बात करें स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो सबको पता है स्पीड होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम. और ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हमारे पास में होंगी. फर्स्ट होगी किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड. आई मीन 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स पे हमेशा वर्क करेंगे. स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में या फिर होगी मीटर पर सेकेंड में. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, कि मान लो हमें सारी चीजें किलोमीटर आवर में गिवन है और हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ रही है, बट हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस में पूछा गया है, मीटर पर सेकंड में पूछा गया. तो नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्जन. देखिए यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. तो किलोमीटर का अगर मुझे मीटर बनाना है तो आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो यहां पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो ये बन जाएगा मीटर. और आवर की अगर हम बात करें, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर में, तो हम सबको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे. और 60 मिनट्स में 1 मिनट में आपको पता कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स होंगे. तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड हुए, 60 × 60 डिवाइड बाय कितने से कर देंगे आप, 3600. बहुत बेसिक चीजें आप आई नो सबको पता भी है, बट एक जो रिजल्ट है वो आपको बता देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसे पता चल जाएगा. देखिए क्या होगा, कैंसिल करते हैं इसको,
तो ये आएगा 5, ये आएगा बाय 18। तो यहां आपने देखा कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आ रहा है, 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये वाली जो यूनिट है हमेशा कैंसिल होके क्या बननी है, 5 बाय 18 ही बननी है। तो मैं क्यों हर बार ये नंबर लिखूं जब भी मैं कन्वर्ट करूं कि 1,3600 और फिर इसको मैं कैंसिल करूं, फिर इसको मैं 5 बाय 18 बनाऊं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। एक चीज मैं बताता हूं आपको, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस या फिर एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको कम से कम टाइम में उसे सोल्व करना है तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे स्टेप को खा जाना है। खा जाने मतलब कि उन स्टेप्स को आपको माइंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि यार वहां हमारा कोई स्टेप्स हमें चेक करके हमें मार्क्स मिलने वाले, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए जितने कम आप पेन का यूज करोगे और जितना ज्यादा आप अपने माइंड में कैलकुलेशंस करोगे, उतनी ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कम से कम पेन का यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में सॉल्व करनी है, ताकि हम जो हमारा टारगेट है कि हम उन 10 क्वेश्चंस को 5 to 7 मिनट्स में हम कंप्लीट करें, तो उसके लिए हमें चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आया, 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है देखना ध्यान से। देखो अगर मान लो आपको गिवन है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर है और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर में, मीटर पर सेकंड में। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना है, इसे 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 5 × 2 आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो बस अपना यही रखना है कि 36 किलोमीटर है तो इनटू 5 बाय 18 कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं इसके उल्टा कि 1 मीटर पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना है किसके अंदर में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो 1 मीटर किलोमीटर बनाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। तो यहां हमने कर दिया 1000। सेकेंड आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, देखो 3600, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, किलोमीटर पर आवर, और यहां इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 18/5। ठीक है, तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को ध्यान से सुनना, यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड और आपको क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, और ये कितना बन जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या ये चीजें समझ में आई आपको? क्या देखो, हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले डेफिनेशन देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देन उसके बाद में हमने देखा कि 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको हम कैसे स्पीड के कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन से प्रूव हुआ। देन उसके बाद में हमने देखा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस पॉइंट टाइम होता है। यहां से हम 3 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो स्पीड, एक डिस्टेंस एंड टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक यहाँ पे। फिर हमने देखा कि यूनिट्स, तो डिस्टेंस को हम या तो किलोमीटर या फिर मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को आवर और सेकंड में हम मेजर करते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, इसकी जो यूनिट्स होंगी किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट कन्वर्जन की, तो हमने यूनिट कन्वर्जन देखा कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। सेम अगर 1 मीटर पर सेकेंड है और उसे मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 18/5 किलोमीटर पर आवर में। आई थिंक यहां किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बेसिक चीजें हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीजें पता भी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले जो चीज तो इमेजिनेशन होनी ही होनी चाहिए, दूसरी चीज आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है।
ऐसा नहीं है कि आप जब फर्स्ट डे ही क्लास स्टार्ट करते हो तो आपकी स्पीड एकदम से मैक्सिमम होगी और आप उतने ही जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लोगे। नहीं, स्पीड को और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको एक चीज करनी होगी, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप करोगे, जितने क्वेश्चन आप लगाओगे, उतना आपका बेनिफिट होगा और उतनी ही जल्दी आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज स्पीड, नेक्स्ट है आपके पास में एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, आप सबको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप ए से बी पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है, कोई पर्सन है वो ए से बी पे ट्रेवल करता है, जब वो जा रहा है ए से बी पे तो उसकी जो स्पीड है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, और जब वो बी से ए वापस आता है तो उसकी स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। जब वो ए से बी पे गया तो उसकी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड जब वो बी से ए पर आया तो उसकी स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंडीशन है, this point is B and this point is C. Suppose कीजिए कि वो जब A से C पे travel करता है तो उसकी speed है x kilometer per hour, and C से B पे travel करता है तो y kilometer per hour। यहाँ वो A से B पे जा रहा है और ये यहाँ से B to A पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि third, अगर हम मानते चलते हैं कि कोई hill station है, ठीक है, यहां पे अगर वो जब इस पॉइंट ए से बी पे आया तो उसकी स्पीड थी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड जब वो वापस जा रहा है बी से ए पे तो स्पीड थी वाई किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जब वो ए से बी पे आया और बी से ए पे आया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी जर्नी जो उसने ट्रेवल की है उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। सेम यहाँ पे कि जब वो ए से सी पे आया एंड सी से बी पे गया तो उसकी पहले स्पीड थी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दोबारा स्पीड थी वाई किलोमीटर पर आवर, तो यहां से सी पे एंड सी से बी पे जाने में उसको उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। सेम यहाँ पे जब ए से बी पे आया एंड बी से ए पे आया तो यहाँ पे आपके पास में उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या थी, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, तीनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन है यहाँ पे कि ए से बी पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और बी से ए पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो क्या है, सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे भी ये हाफ पार्ट है एंड ये हाफ पार्ट है, ठीक है, तो ए से सी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सी से बी का है। सेम यहाँ पर जो डिस्टेंस ए से बी का है और बी से ए का है, तो यहाँ पे ये देखिए कि तीनों कंडीशंस में एक चीज कॉमन है कि डिस्टेंस हमारा क्या सेम है और हमसे पूछा क्या गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी, सबको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, 2xy डिवाइड बाय x प्लस y और यूनिट्स क्या हो जाएंगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस y, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। बात करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। बट यहाँ पे देखना, मैंने आपको क्या बोला कि चीज क्या है, कॉमन क्या है, सबसे पहले तीनों कंडीशंस के अंदर में कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो क्या किया गया है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। जब आप ए से सी पे आए, सी से बी पे आए, या फिर ए से यहाँ बी आए, बी से ए पर आए,
सेम कंडीशन ए से बी आए एंड बी से ए पर आए, हर कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये फॉर्मूला वैलिड भी इन तीनों कंडीशन में ही है जहां पे आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है, सेम ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड था, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, और मोस्टली आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी ऐसे ही कि जब आप ए पर थे और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जो इसको इक्वली 1, 2, 3 and 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। हो सकता है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको बोला जाए जैसे कि ये जो ए से सी पे जो वो ट्रेवल करता है तो आपके पास में स्पीड थी एक्स किलोमीटर पर आवर, सी से डी में आपके पास में स्पीड थी वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डी से बी में आपके पास में जो स्पीड है वो है कितनी, जेड किलोमीटर पर आवर। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी फॉर्मूला बन जाएगा 3 x y and z डिवाइड होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में, 3 x y z x y plus y z plus z x। और यहाँ पे जब दो के लिए, तो ऐसे ही आप फॉर्मूला 4 पार्ट्स के लिए भी बना सकते हो, सेम ऐसे ही फॉर्मूला 5 के लिए भी बना सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर यहाँ पे 2xy upon xy था तो बहुत ईजी था, ये कैलकुलेशन तो बहुत ईजी थी कि जब वो 2 इक्वल पार्ट्स में था। बट जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन बढ़ते जाएगी। 3 के लिए ये फॉर्मूला है, 4 के लिए और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो जाएगा और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें ये काम नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन को सबसे कम रखना है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हमें टाइम पे सॉल्व करना है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, वो चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ, वरना कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। देखिए क्या होता है, ए से बी पे, ठीक है, मुझे जाने के लिए स्पीड कितनी थी, एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड बी से ए पे जो स्पीड क्या थी, वाई किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिएंगी, क्या चीजें होंगी वो, टोटल डिस्टेंस, और दूसरी चीज क्या चाहिएगी, टोटल टाइम चाहिएगा। अब देखो डिस्टेंस को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। और जब लेट करने की बारी आती है तो आप सबको पता है कि हम क्या मानते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स किलोमीटर हम मानते हैं, ठीक है। बट हमें एक यही गलती नहीं करनी है कि जहां हमने एक्स मान लिया, ठीक है, जिस कंडीशन में हमने एक्स मान लिया, वहां क्या होगा, आपके साथ में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंथी बना दोगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें x नहीं मानना है। तो x अगर नहीं मानना है तो हमें क्या मानकर चलना चाहिए, कि हम ऐसी क्या चीज लें कि जो इजिली हमें सॉल्व कर दे। तो ध्यान से सुनो कि जब मुझे एवरेज स्पीड निकालना होगा या फिर मुझे जब टाइम निकालना होगा, तो टाइम निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब इस डिस्टेंस को मुझे किससे डिवाइड करना होगा, स्पीड से डिवाइड करना होगा। स्पीड क्या है मेरे पास में, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, मतलब मुझे इन दोनों से डिस्टेंस को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो मैं डिस्टेंस को कुछ ऐसी वैल्यू मानता हूं जहां पे मेरे पास में वैल्यू फ्रैक्शंस में ना आए, मतलब वो x से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए एंड वो y से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ऐसी चीज क्या होगी जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो जो चीज होगी वो क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, जो किससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, एक्स से भी डिवाइड हो जाएगा और जो किससे डिवाइड हो जाएगा, वाई से भी। तो मुझे ये पता है कि इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स वाई। अब ये डिस्टेंस होगा कहां से कहां तक, ए से बी तक का डिस्टेंस होगा कितना, एक्स वाई। अब देखिए, चलो मेरे पास में डिस्टेंस कितना आ गया, एक्स वाई किलोमीटर आ गया है, मेरे पास में डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, एक्स वाई किलोमीटर आ गया। अब मुझे क्या चीजें चाहिए, अब मुझे चाहिए टाइम। तो डिस्टेंस कितना, एक्स वाई, ठीक है, चलो यहां लिख लेते हैं इसको कि हमारे पास में स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया,
एक्स वाई किलोमीटर, कहां से कहां तक का है? ये सिर्फ ए से बी तक का है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें अब टाइम, टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम क्या होगा? देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, ये वाली एक्स वाई, डिवाइड किससे कर देंगे आप? स्पीड से। स्पीड कितनी है? एक्स। तो यहां पे एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स किया तो स्पीड टाइम कितना आ गया आपके पास में? वाई आवर आ गया। नेक्स्ट देखिए, जब वापस बी से ए पे जा रहे हैं, स्पीड कितनी है? वाई किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई डिवाइड बाय वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक्स आवर। तब आपके पास में देखिए, जब आप कहां से कहां आए, ए से बी पे आए, स्पीड कितनी थी? एक्स किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? वाई आवर। ओके, जब आप बी से ए पर गए, स्पीड कितनी थी? वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? एक्स आवर। अब आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस लिए नहीं होगी? क्योंकि अब आपके पास में सारी चीजें हैं। डिस्टेंस कितना? ए से बी पे गया तो डिस्टेंस कितना? एक्स वाई। वापिस बी से आया ए पे तो डिस्टेंस कितना? एक्स वाई। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई। एंड टोटल टाइम कितना? ए से बी पे जाने में वाई आवर, और बी से आने में ए पे एक्स आवर। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। और यहां पे ये फॉर्मूला बनेगा टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला यहां से आपका बन के आया है, और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा जो एलसीएम वाला है। अगर नहीं भी हुआ तो जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बाद, तो आप सबको ये चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि एलसीएम क्यों लिया। एलसीएम लेने का रीजन ये था, देखो आप कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हो जो आपके मन में आए, 100, 500, एक्स वाई, बट होगा क्या, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। रीजन एलसीएम लेने का, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, और टाइम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मतलब डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को कुछ ऐसा मानिए कि वो एक्स से भी डिवाइड हो जाए और वो वाई से भी डिवाइड हो जाए। वो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो एक्स और वाई से डिवाइड हो जाएगी? वो वैल्यू क्या होगी? तो वो वैल्यू वही हो सकती है जो एक्स और वाई का क्या होगा? एलसीएम होगा। जो एक्स और वाई का क्या होगा? एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई आएगा। यहां से हमने टाइम निकाल दिया, और जैसे हमारे पास में टोटल टाइम आया तो हमें टोटल डिस्टेंस का भी पता था एंड टाइम का भी पता था। हमारे पास में एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलो अभी तक हमने एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट देखा था, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी देखा, और अगर हम इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में अगर किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी देखा था। बट हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, अगर टू इक्वल पार्ट्स में आता है तो आप यूज कर भी सकते हो, बट एग्जाम में इतना टू इक्वल पार्ट्स पे कभी नहीं आएगा। आपसे 3-4 इक्वल पार्ट्स आपको देगा या फिर अनइक्वल पार्ट्स देगा, तो वो हम बाद में देखेंगे अनइक्वल पार्ट्स के लिए क्या होगा। बट अब पहले हम चेक करते हैं कि इक्वल पार्ट्स अगर दे रखा हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीन पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो तो अपनी वीडियो को पॉज करना और पहले खुद सॉल्व करके देखना, पहले खुद ट्राई करके देखना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी स्पीड के पीछे मत भागिए, अभी आप जस्ट कॉन्सेप्ट को सीखिए और एक्यूरेसी लेके आइए अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर एक पर्सन अपने हाउस से ऑफिस जाता है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑफिस से हाउस जब वापस आ रहा होता है तो उसकी स्पीड होगी कितनी? 60 किलोमीटर पर, ठीक है? जाते टाइम स्पीड थी 50 एंड आते टाइम स्पीड थी 60, और आपको पता है कि जो डिस्टेंस होगा दोनों साइड में क्या होगा आपके पास में? इक्वल होगा। तो इस केस पे जब डिस्टेंस इक्वल है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो टू इक्वल पार्ट्स में। देखिए फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं दिखाता हूं आपको, 2 × x कितना हो जाएगा? 50 × 60 डिवाइड बाय x प्लस वाई, तो 50 + 60। किस चीज का फॉर्मूला? ये एवरेज स्पीड जब आपका डिस्टेंस टू इक्वल पार्ट्स में ट्रेवल किया गया हो, ठीक है? इस केस में अगर इसको सोल्व करते हैं, 2 × 50 × 60 डिवाइड बाय 50 + 60, 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा आपके पास में 600 डिवाइड बाय 11। तो इस केस में अगर आप इसको सोल्व करोगे फर्दर तो आपके पास में 54.54
किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट स्पीड आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो 54.54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये था फॉर्मूला बेस्ड। अगर हम बात करें अपने कॉन्सेप्ट की, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था जब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उस केस में, फिर से एक बार तो आप लोगों को बताता हूं। देखो, जब हाउस से ऑफिस जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एंड जब वो ऑफिस से हाउस आ रहा है तो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। आपके पास में स्पीड है और आपको पता है कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला, हमें इसको ध्यान रखना है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है सबसे पहले। और टाइम निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस को लेट करना होगा, और जब भी लेट करने की बारी आती है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है, एक्स। वही हमें नहीं लेना है। ध्यान रखना कि एक्स लिया और क्वेश्चन को हमने बहुत बड़ा कर दिया है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना है तो आप एक्स लो, ठीक है। बट अगर हमें इसे सोल्व करना है हमने टाइम पे, ठीक है, 10-15 सेकंड में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें कुछ ऐसा डिस्टेंस लेना होगा जो क्या हो जाए, जब आप उसको स्पीड से डिवाइड करो, मतलब जब आप उसे 50 से और 60 से डिवाइड करो तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी जो 50 और 60 दोनों से कम्प्लीट डिवाइड हो रही हूँ, 50 और 60 से कंप्लीट डिवाइड होने वाली वैल्यू क्या होगी आपके पास में, इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास में, 300। मैं लेट करता हूं कि जो मेरा एक साइड का डिस्टेंस है, मतलब हाउस से ऑफिस का डिस्टेंस है, वो कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस जो कितना है वो है 300 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जब वो हाउस से ऑफिस जा रहा है तो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। तो 300 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 आवर्स। टाइम निकाल रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। तो यहां उसे टाइम लगा 6 आवर्स। और जब वो ऑफिस से हाउस आ रहा है, वापस अपने घर आ रहा है, तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 300, डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 आवर्स। तो टाइम आया 5 आवर्स, ठीक है। तब आपके पास में स्पीड 50 एंड 60 गिवन है, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है, डिस्टेंस आपके पास में 300 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जो एवरेज स्पीड है कितनी हो जाएगी आपके पास में, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास में, टोटल डिस्टेंस है, देखिए 300 था हाउस से ऑफिस, ओके, एंड फिर वापस जब वो ऑफिस से हाउस आ रहा है तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगेंस्ट में सेम 300, एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम कितना है आपके पास में, देखिए 6 एंड 5, ये देखिए आपने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट किया है, 6 आवर जब वो जा रहा था, 5 आवर जब वो वापस आ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5, तो 600 डिवाइड बाय 11 कितना हो जाएगा, 54.54 आपके पास में किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ये आपका क्या होगा, आंसर। अब आप लोग कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत छोटा था, हमें तो जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी थी ये चीजें और हमने आंसर निकाल दिया था, बट यहाँ क्या हो गया, थोड़ा लेंथी हो गया। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि अभी आपको ये लेंथी लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको लिख के बताई है। जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आपको ये चीजें लिखने की नीड नहीं है, ये चीजें आपको लिखने की नीड नहीं है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि 50 और 60 का जो एलसीएम होगा वही मेरे लिए डिस्टेंस होगा। तो 50 60 का एलसीएम कितना, 300। डोंट वरी, जब एचसीएफ एलसीएम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी भी बताऊंगा कि एलसीएम कितना विद इन सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चीज की आप टेंशन मत लो। तो 50 और 60 का एलसीएम आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपके पास में डिस्टेंस आ गया 300। अब आप ये थोड़ी ना है कि आप एग्जाम में ये चीजें करके देखोगे, डिवाइड करना है 300 से डिवाइड बाय 50, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसलिए सारा बोर्ड पे लिखा है। अदरवाइज 350 आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 6 आवर, कि आपका एक टाइम कितना है, 6 आवर, दूसरा टाइम कितना है आपके पास में, 5 आवर्स है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, आपको स्टेप सिर्फ दो ही लिखने हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 600 डिवाइड बाय 11, 54.54 किलोमीटर पर आवर आपके पास में क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी देखना जब आपका डिस्टेंस 3, 4 एंड 5 पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो उस टाइम देखना बहुत यूज होगा।
अदरवाइज जब आप क्वेश्चन को 3 पार्ट्स के और 4 पार्ट्स के फॉर्मूलों में कन्वर्ट करोगे तो आप देखना उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, देखो मानने को यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, 100, 200, 300, बट जैसे आपने यहाँ पे 100 मान लिया ना, बिल्कुल 50 से वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, बट 100 क्या 60 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। वैल्यूज किस में आ रही हैं? सारी की सारी फ्रैक्शंस में आ रही हैं। और जितनी वैल्यूज फ्रैक्शंस में होंगी मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ेंगे और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमें वैल्यू लेट करनी है वो ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो क्या हो जाए, यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। एक चीज इससे ये भी फायदा होगा कि आपको कैलसी का भी कम यूज करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब गेट के अंदर में कैलसी आता है उसमें माउस का यूज करना पड़ता है, आधा टाइम वेस्ट तो वैसे ही हो जाता है। तो जितना कैलसी का कम यूज करोगे इन क्वेश्चंस के अंदर में उतना ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ए फार्मर वॉक अराउंड ए स्क्वेयर फील्ड एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट एंड 60 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग। चलिए जल्दी से मैं इसको साफ करता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए, उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, ए फार्मर वॉक्स अराउंड ए स्क्वेयर फील्ड। तो स्क्वेयर फील्ड आपके पास में ये हुआ, देखो मैंने आपको बताया था कि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन में। एक इमेज बना लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे और गलती के चांसेस भी कम होंगे। तो यहाँ पे फार्मर वॉक अराउंड ए स्क्वेयर फील्ड एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट। यहाँ पे जो स्पीड है ए बी सी डी, ए से बी पे जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर मिनट, एंड देन 30 मीटर पर मिनट। बी से सी पे हम मान लेते हैं कि 30 मीटर पर मिनट हो जाएगी स्पीड, एंड सी से डी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 50 मीटर पर मिनट, एंड डी टू ए कितनी है स्पीड आपके पास में, 60 मीटर पर मिनट। अब आपसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वॉकिंग की। तो देखो वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट, हमें उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है और 4 इक्वल पार्ट्स के लिए अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। ओके चलो देखो, यहां अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में स्पीड कितने कितने की बना, 20 मीटर पर मिनट, देन 30 मीटर पर मिनट, एंड देन उसके बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट एंड 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या लेट करना है, डिस्टेंस, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है अपना टोटल टाइम। डिस्टेंस हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट हम डिस्टेंस वो लेट करेंगे जो इन सब से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और मेरा टाइम मुझे इजिली मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। एलसीएम वाली ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे आपके पास में 20, 30 एंड 50 एंड 60। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी अराउंड 300 के, ठीक है, 300 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो एक साइड है वो कितने मीटर की है, 300 मीटर की है एक साइड, और स्क्वेयर फील्ड है तो चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 300, 300, 300 एंड 300, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में, 300 × 4 कर दीजिए 1200 मीटर हो गया। बट उससे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 300 किस स्पीड से, 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो 300 / 20 आप करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट 30 है यहाँ पे आपके पास में, तो कितना हो जाएगा ये, 10 मिनट हो जाएगा। 300 / क्या करना है, 30 करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 300 / 50, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 मिनट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपके पास में 60, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 300 / 60, कितना होगा आपके पास में, 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में टोटल टाइम भी आ गया है,
आपके पास में टोटल डिस्टेंस भी है, तो अब आपके पास में टाइम कितना आ गया है टोटल? तो देखो टाइम आया है आपके पास में टोटल 15 + 10 = 25, एंड ये कितना हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा आपके पास में 36 मिनट, टोटल टाइम 36 मिनट है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस एक साइड अगर 300 मीटर है तो फोर साइड्स कितना हो जाएगा 4 × 300 / 36 मिनट डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 36 मिनट है, कितना होगा ये 9 हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 100, ये आएगा 100/3। अगर हम इसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 33.33। आपके पास में एवरेज स्पीड निकालनी है तो मीटर पर मिनट, ओके तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 33.33 मिनट। अब आपको कितने भी वो पार्ट्स दे दे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है, बस आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस लेट करते हुए आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि इन सबका एलसीएम कितना होगा। वो वैल्यू आते ही आप जस्ट ये सीधा सीधा आप बता दोगे कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आते ही आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, जस्ट पुट करेंगे और हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक सबको समझ में आया ये, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travel a distance in three equal parts from A to B at the speed of S1 km per hour, from B to C at S2 km per hour, and next part C to D at S2 km per hour. Find the average speed. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप साथ साथ सारे क्वेश्चंस को साथ में आप ट्राई करेंगे पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और पहले आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि जैसे आपने मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब जितने भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे पहले चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए फॉर्मर वॉक अराउंड ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस इन थ्री इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ S1 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट S2 किलोमीटर पर आवर, and next part C to D at S2 km per hour, find the average speed. चलिए एक कार है किसी डिस्टेंस को तीन इक्वल पार्ट्स में, तो कह रहा है A to B जब वो जाती है तो उसकी स्पीड होती है S1 km per hour, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B to C उसकी स्पीड होती है S2 km per hour, एंड B to C हो गया, एंड C to D जब वो जाएगी तब भी उसकी स्पीड कितनी बताई है इसने, S2 km per hour बताई है, ठीक है। ये इसने आपको स्पीड गिवन है और साफ साफ बोला है कि तीन इक्वल पार्ट्स में ये ट्रेवल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। अब आपको पता है कि स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है S1, S2 एंड S2, ठीक है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस हम मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम S1, S2 एंड S2। क्या होगा एलसीएम आपके पास में, S1 × S2, तो आपके पास में एक पार्ट का डिस्टेंस कितना आया, एक पार्ट का डिस्टेंस आया S1, S2, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3S1, S2। अगर हम बात करते हैं कि टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम के केस में क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड करना है किससे, स्पीड से, क्योंकि आपको पता है टाइम क्या होता है आपके पास में, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास में है S1, S2 डिवाइड बाय स्पीड, फर्स्ट स्पीड कितनी थी S1, तो S1, S2 को अगर आप डिवाइड करोगे S1 से तो टाइम कितना आएगा, S2 आएगा। S1, S2 को डिवाइड करेंगे S2 से, टाइम कितना आ जाएगा, S1 आ जाएगा, सेम यहाँ पे ये टाइम आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल टाइम कितना लगे उसे, तो टोटल टाइम कितना लगा, S1 + S1 = 2S1 + S2, ये टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना था आपके पास में, 3S1 S2 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 2S1 + S2 = 2S1 + S2, ये क्या है आपके पास में, एवरेज स्पीड है। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर में, ठीक है। बस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज को कितना अच्छे से समझ पाते हो, और एक्चुअल में एग्जामिनर जो आपसे चाहता है वो यही कि अगर मान लो जब आपको कोई ऑर्डर दिया जाए तो क्या आप उस चीज को
कितना जल्दी डीकोड करते हो, या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कितना जल्दी डीकोड कर लोगे, इन्हीं क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है। बाकी और कुछ नहीं, आपकी बेसिक कैलकुलेशन चेक की जाती है, ठीक है, आपकी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाती है, और जो ये थोड़ी सी ट्विस्ट करके आपको लैंग्वेज गिवन होती है वो यही देखने के लिए कि आप कितना जल्दी उसे डीकोड कर सकते हैं, कितने अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितना जल्दी उसे आप डीकोड कर लेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राहुल कवर 5/18 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड 7/20 बाय बस एंड 26:2 बाय 3% ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय कार रिमेनिंग 1330 मीटर बाय मोटरसाइकिल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। इस बार आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देखो, एवरेज नेक्स्ट जो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ट्राई कीजिए जल्दी से। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल कवर 5/18 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन, ठीक है, चलिए, राहुल ने 5/18 किसका, टोटल डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि डी होगा, ठीक है, एक बार हम ज़ूम कर लेते हैं, तो 5/18 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ओके, देन बाय ट्रेन एंड द 7/20 बाय बस, 7/20 किसका, टोटल डिस्टेंस का, किसे, बाय बस एंड 26:2 बाय 3% ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय कार। हम मान लेते हैं कि ये 26:2 बाय 3% ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय कार एंड द रिमेनिंग, चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, रिमेनिंग 1330 मीटर बाय मोटरसाइकिल। अब एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, क्या बड़ा सही चीज दी है। सबसे पहले तो जो लास्ट वाले हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर में क्या था, आपका इक्वल डिस्टेंस दे रखा था, बट यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं है सबसे पहले। और जो डिस्टेंस गिवन देने की जो कंडीशन है आपको, गिवन है आपको, वो किस में गिवन है, फ्रैक्शंस में गिवन है, बट फ्रैक्शंस में तीन पार्ट्स तो गिवन है, बट जो फोर्थ पार्ट है या रिमेनिंग पार्ट है उसकी आपको क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन है, कितनी, 1330 मीटर, ये एक्चुअल वैल्यू उसने आपको दे दी है। बाकी थ्री पार्ट्स आपको फ्रैक्शंस में दे दिए, परसेंटेज में दे दिए, बट एक पार्ट किस में दे दिया आपको, एक्चुअल वैल्यू में दे दिया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो इन सारी वैल्यूज को फ्रैक्शंस में ही लेना पड़ेगा, फिर हमें इनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, और तब हम इसको रिलेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ में और इसका आंसर बता देंगे। जितना लेंथी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोलने में आपको लग रहा है ये उतना ही ईजी है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 5/18 ऑफ टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/20 ऑफ डिस्टेंस आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 26:2 बाय 3% ऑफ टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है। अब ये परसेंटेज में है, ये वैल्यूज फ्रैक्शंस में, क्या करो, किसमें कन्वर्ट कर दो इसको, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्रैक्शंस में। 26:2 बाय 3% को अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कैलकुलेशन, जहाँ आप अपने माइंड में ही आप इन सारी वैल्यूज को आप कर लोगे बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी के लिए हम बेसिक मेथड जो हमारा होता है वही क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं इस वैल्यू को, उसी से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, 26 × 3 = 78 + 2 कितना हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय जब आप इसको 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये होगा आपके पास में 8/30, कितनी वैल्यू आएगी, 4/15 आएगी, 4/15 आएगी। तो इस परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 4/15। हम एक काम करते हैं, हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी परसेंटेज वैल्यू को क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/15 है आपके पास में फ्रैक्शन आ गया, और ये किसका है, टोटल डिस्टेंस का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में जब हम
डिस्टेंस मान रहे थे तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, ध्यान से सुनना। देखो आपको मैं वो चीज बता रहा हूं कि हमें एलसीएम हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना पड़ेगा, कि कभी हमें डिस्टेंस का भी एलसीएम लेना पड़ सकता है, कभी हमें स्पीड का भी एलसीएम लेना पड़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या पड़ रहा था भाई, एवरेज स्पीड निकालनी थी, और जब एवरेज स्पीड निकालनी थी तो हमें क्या चाहिए था, टाइम चाहिए था, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना था। तो उस टाइम पे आपको पता टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना था, स्पीड से। तो मैं उस टाइम पे स्पीड का एलसीएम इसलिए ले रहा था कि जो मेरा डिस्टेंस है वो स्पीड से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। यह आप चीज आपको, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अब इस क्वेश्चन में मैं किस चीज का एलसीएम लूं, तो आप एक चीज देखो यहां पे, देखो 5/18 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस को किससे डिवाइड करूंगा, जब मेरे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, ये जो ए से बी के बीच का पार्ट है इसको निकालने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए तो मैं टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 18 से। सेम चीज यहां देखो 7/20 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो 7/20 ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 20 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। सेम चीज यहाँ भी है 4/15 ऑफ टोटल डिस्टेंस, इस केस में आप क्या करोगे, 4/15 ऑफ टोटल डिस्टेंस जब आप इसको करोगे तो उस केस में क्या होगा, देखो डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, 15 से, मतलब डिस्टेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो 15 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, और किससे डिवाइड हो जाए, 18 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो वो ऐसा डिस्टेंस क्या होगा, वो इन तीनों का एलसीएम होगा। अब देखो एलसीएम क्या हो सकता है आपके पास में, अगर मैं 180 को मान लेता हूं तो 18 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 20 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और क्या 15 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो एलसीएम होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा, वो हम मान लेते हैं कितना है, 180 यूनिट है, ध्यान से देखना कितना है, 180 यूनिट है। हमें एक्चुअल में करना क्या है, देखो इस पार्ट की हमें जो वैल्यू गिवन है वो किसमें गिवन है, वो एक्चुअल वैल्यू गिवन है कितनी, 1330 मीटर। बट बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सबकी वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है, तो हमें इस वैल्यू को भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 180 यूनिट आ गया। 180 यूनिट कैसे आया, 18, 20 एंड 15 का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम क्यों इनका लिया वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई थिंक अब चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई होंगी, ठीक है। तो आप देखो 180 का, देखो यहाँ पे 5/18 पार्ट कितना होगा, तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे 5/18 मल्टीप्लाई 180 तो ये हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं 7/20 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना होगा आपके पास में, 63 यूनिट हो जाएगा। देखो आप इसको ध्यान से सुनना, इसको आप किलोमीटर या मीटर अभी नहीं लिख सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यूज से आ रहा है, और आपने जो टोटल डिस्टेंस निकाला है वो भी किसमें निकाला है, 180 यूनिट्स में निकाला है। अभी नहीं पता आपको कि किसमें लेना है आपको, ये यूनिट कैसे चेंज होंगी, जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ये उसी के साथ चेंज हो जाएगी, बताता हूं अभी कैसे, ठीक है। तो 180 यूनिट टोटल डिस्टेंस था उसका, 7/20 कैलकुलेट कर दिया कितना आया, 7/20 कैलकुलेट किया तो कितना आया, 63 यूनिट आ गया। नेक्स्ट देखिए 4/15 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 4/15 ऑफ टोटल डिस्टेंस देखो कितना होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस था 180 यूनिट, ठीक है, टोटल डिस्टेंस था 180 यूनिट, ये हो गया 50, ये 60 एंड 48, तो यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया टोटल, ऐड कर लेते हैं इसको, 11 हो जाएगा 1, और ये 10 एंड 5/15 एंड ये कितना हो जाएगा, 161 यूनिट। यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया आपके पास में, 161 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना है डी से ई के बीच का, तो 180 माइनस क्या कर दोगे, 161 कर दोगे, आपके पास में रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 19 यूनिट। और इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। देखो राहुल कवर 5/18 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन, 7/20 बाय बस, 26:2/3% ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय कार, एंड रिमेनिंग 1330 मीटर बाय मोटरसाइकिल। तो ये एक्चुअल मीटर में जो आपको गिवन है, मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसने 1330 मीटर,
ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। बट हमारी अगर यहाँ वैल्यू चेक करें तो कितनी आई है, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1330 मीटर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप डिवाइड बाय 19 कर देंगे यहाँ पे, और जब डिवाइड बाय 19 करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 70 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 70 मीटर है। और आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, भाई आपने टोटल डिस्टेंस कितना मान के चले थे, 180 यूनिट, मतलब 180 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180 यूनिट की वैल्यू होगी 70 × 180, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा आपके पास में, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 12600 आपके पास में क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, आपके पास में क्या होगा, यूनिट आपकी किस में चल रही है अब, मीटर में। तो जो वैल्यू 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1330, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो सारी यूनिट किलोमीटर में हो जाती है, मीटर में आपको गिवन है तो सारी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मीटर में। बट आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में जो आपको आंसर पूछा है वो किस में पूछा गया है, वो किलोमीटर में पूछा गया है। तो इसको किलोमीटर बनाने में तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.16 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने किया है वही सेम चीज किया, 20 चॉकलेट्स कितने की आती है, 100 रुपीज की आती है। 1 चॉकलेट कितने की आएगी, डिवाइड बाय 20 कर देंगे, कितने रुपए की हो जाएगी आपके पास में, 5। और मैं आपसे पूछता हूँ कि 50 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो आप क्या करोगे, 50 × 5 कर दोगे। तो यही सेम चीज किया कि 19 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 1330 मीटर हो गई। 1 की वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय 19 कर दिया, और 180 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 180 यूनिट मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 180 कर देंगे, और यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सुमित कवर्स 3/7 ऑफ डिस्टेंस बाय बस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 2/5 ऑफ डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो आपको आने चाहिए, उनको आपको समझना है। ट्रिक्स नहीं है कोई भी कि ट्रिक्स आपको रटनी है, नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं है इन क्वेश्चंस की, सब एक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एवरेज स्पीड का ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, वही सेम बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसी पे। इसमें आप जो है हजारों फॉर्मूले याद कर लो, कितने फॉर्मूला याद करोगे यार, आपको पूरा टेक्निकल भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इतने फॉर्मूले हैं, इतनी इक्वेशंस हैं, कितनी याद रखोगे। इससे अच्छा है, आप सबको, मुझे पता है कि सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लॉजिक्स पसंद है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार लॉजिक्स पढ़ना बड़ा ईजी होता है, उनको समझना इतना ईजी होता है, और हमें आदत भी वही हो गई है। बट अगर हमें कोई रटवाने लगे ना चीज़ों की, यार ये रट लो, ये चीज़ें ऐसे हैं, ये है वो, तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखें और सारी चीज़ों को एक ही कॉन्सेप्ट पे करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एलसीएम वाला और ये सारी चीज़ें, तो आप देखना स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो आपके यूज हो ही हो रहा है, उसके बाद में जब आप टाइम एंड वर्क करोगे तो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, एलसीएम वाले पे, और बहुत ईजिली सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित कवर्स 3/7 डिस्टेंस बाय बस, साथ साथ एक डायग्राम बनाते चलो कि चीज़ें क्लियर रहें आपके सामने। 3/7 डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, वो बस से। चलिए भाई, ये 3/7 डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, ये ए से बी के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अच्छा जी चलो इसको ट्रेवल करने की स्पीड भी आपको गिवन है इस बार 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, 2/5 डिस्टेंस बाय ट्रेन, 2/5 डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया, ट्रेन से ट्रेवल किया। ऑफ डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, गुड। नेक्स्ट, रिमेनिंग डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है आपके पास में, कौन सा, सी से डी के बीच में, इसको उसने ऑटो से ट्रेवल किया, इसकी स्पीड कितनी थी किलोमीटर पर आवर, बट हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उसने बोला है कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया है, और पूछा है कि इस बार एवरेज स्पीड क्या होगी। फिर से वही चीज, एवरेज स्पीड आपसे पूछी है, बट जब लास्ट वाले केस कर रहे थे तो उन केस में और इस केस में एक डिफरेंस है। लास्ट वाले केस में
डिस्टेंस जो थे वो सारे क्या थे, इक्वल पार्ट्स में थे, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो इक्वल नहीं गिवन है। डिस्टेंस क्या है आपके, अलग अलग आपको गिवन है। तो उससे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन सबसे भी डिवाइड हो जाए और यहाँ भी हम इजिली उसको बता सकें। तो देखो क्या करना है उस केस में आपको, सबसे पहले तो देखो ये 3/7 किसका है, टोटल डिस्टेंस का। 2/5 किसका है, टोटल डिस्टेंस का। तो हम क्या काम क्या करते हैं, इस 7 और 5 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 35 आएगा। ये 35 हम इसको क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं। बट चलो 35 तो हमने ले लिया, तो जैसे ही 3/7 निकालेंगे इसका, तो जब 3/7 हमने कैलकुलेट किया तो ये 5 आया और ये कितना आ गया आपके पास में, 15 आ गया। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 15। बट अब होगा क्या, ध्यान से देखना, जब इस 15 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा जब टाइम निकालना होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, फिर फ्रैक्शंस में वैल्यू आएंगी। और छोटी फ्रैक्शंस में वैल्यू आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है कि 15 आ गया, बट अगर मुझे इसको 50 से भी कंप्लीट डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ पे भी 0 है, ये 35 मतलब 5 पीछे आ रहा है, तो इसमें 10 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे भी 0 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस 35 किलोमीटर था, इस 35 को मैं कितना मान लेता हूँ, पीछे एक 0 और लगा देता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए बस, और इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे अपनी कैलकुलेशन को ईजी करना है। और ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख जाओगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यूज मुझे लेनी है। आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि क्या वैल्यू मुझे अज्यूम करनी है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। और ये चीज़ें इतनी तो हमें करनी पड़ेंगी, अगर हमें टाइम पे क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हमें इतना तो करना पड़ेगा। चलिए आपने डिस्टेंस मान लिया कितना, 350, और 350 कितना डिस्टेंस होगा, ए से डी तक का, क्योंकि इस बार डिस्टेंस हमने कहाँ से निकाला है, टोटल डिस्टेंस, 3/7 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास में 350 इस बार। तो आप देखिए 350 का 3/7 आप कैलकुलेट करिए, ये होगा 50, तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 150। आप टोटल डिस्टेंस का 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना, 350, कितना है, 70, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 70 × 2 = 140, ये हो जाएगा 140 आपके पास में। और नेक्स्ट है सी से डी के बीच का रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सबको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 350 है, और यहाँ से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस 150 प्लस 140 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 290। तो रिमेनिंग कितना, 60 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, देखिए इस क्वेश्चन को देखो, स्पीड एंड टाइम दो चीजें, स्पीड सबकी हमें गिवन है, 50 गिवन है, देन 35 हमें गिवन है, एंड 20 गिवन है, ठीक है, ओके। अब देखो टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना, 350 है, और सॉरी डिस्टेंस अलग अलग हमें गिवन है, बेस पर हमने अभी कैलकुलेट किया। डिस्टेंस कितना है फर्स्ट पार्ट का, ए से बी पे 150, डिवाइड बाय कितने से, डिवाइड बाय कितने से, स्पीड कितनी है 50, क्योंकि ए से बी का जो पार्ट है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 50 km/h से। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, टाइम कितना लगेगा, 3 hours, कितना टाइम लगेगा, 3 hours में। नेक्स्ट स्पीड, नेक्स्ट हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है नेक्स्ट बी से सी पे, 140। तो ये था ए से बी के बीच का टाइम, ये बी से सी के बीच का टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में, 140। स्पीड कितनी है आपके पास में, 35, कितना हो जाएगा आपके पास में, 4, ये हो जाएगा 4 आवर। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना है, कहां से कहां तक का निकालना है, सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास में, रिमेनिंग डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, 60 डिवाइड बाय 20 कितना, 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना आया, 4 × 3 = 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 आवर। ओके, अब पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, कि टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस कितना है। भाई आप सबको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, आपने निकाला था 350 किलोमीटर, एंड टाइम कितना आया, 10 आवर्स। स्पीड कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर
बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था आपको, इतनी चीजें, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है भाई एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ये चीज आपको समझाने के लिए ये नहीं लिखनी है आपको, जस्ट ऐसे कैलकुलेशन करनी है, ये चीजें भी आपको करने की नीड नहीं है यार, ये अपने माइंड में आप सोल्व कर सकते हो कि 350 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 50 आएगा, इंटू 3 कर दिया, डायरेक्ट लिखो 140, कितना 290, टोटल डिस्टेंस 350, ये डिस्टेंस कितना 60, कितना टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, मैक्स 4 to 5 सेकंड, और उसके बाद में यहाँ पे ये चीजें लिखने की भी आपको नीड नहीं है, पेन जितना कम चलाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं जो बता रहा हूँ सारी चीजें समझाने के लिए, अदरवाइज देखो 50, 35 and 20, ये आ गया आपके पास में टाइम, टोटल टाइम कितना आया 10 आवर्स, और डिवाइड कर देंगे 350 / 10, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपक कवर्स 30% डिस्टेंस बाय ऑटो एट 20 km/h एंड 60% डिस्टेंस बाय नेक्स्ट 60% डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय साइकिल एट द स्पीड ऑफ 10 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दीपक कवर्स 30% डिस्टेंस बाय 30% डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड 20 km/h, 60% डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड 40 km/h एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय साइकिल एट द स्पीड ऑफ 10 km/h। चलिए जी देखो, आई थिंक सबने सॉल्व करने की ट्राई की होगी और ये क्वेश्चन सॉल्व होना भी चाहिए था आपसे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया। देखो इसलिए मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने टाइप्स करा दूंगा कि आपको कहीं पे भी ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा नहीं है। आपको लगेगा एग्जाम में जब आप क्वेश्चन ऐसा कोई आएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, और बहुत आराम से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। देखिए दीपक कवर 30% डिस्टेंस बाय ऑटो, चलिए ए से बी के बीच का मान लेते हैं कि ये 30% का डिस्टेंस था, और किससे ट्रेवल किया, ऑटो से, स्पीड कितनी थी 20 km/h। नेक्स्ट 60%, नेक्स्ट 60% यहां से बी से सी का 60% हो गया आपके पास में, और ये कैसे ट्रेवल किया है उसने, ये ट्रेवल किया है किस स्पीड से, 40 km/h से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस स्पीड से है, 10 km/h की स्पीड से, बट मुझे नहीं पता कितना होगा, और आप बता भी सकते हो देख के कि टोटल अगर 100% है तो 30 यहाँ कैलकुलेट, 60 यहाँ कैलकुलेट, रिमेनिंग कितना होगा, 60, 30, 90, 100 टोटल होता है, तो 10% जो पार्ट है वो किससे ट्रेवल किया होगा, 10 km/h की स्पीड से उसने ट्रेवल किया होगा। देन फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपसे पूछी है तो कुछ है ही नहीं यार इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, ये 30% किसका है, टोटल डिस्टेंस का, 60% किसका है, टोटल डिस्टेंस का, 10% किसका है, टोटल डिस्टेंस का। अब इन वैल्यूज को क्या मैं लास्ट क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 30/100 ऑफ टोटल डिस्टेंस, सॉरी मैंने क्या किया, परसेंटेज हटा दिया बस, सेम यहाँ पे 60/100 ऑफ टोटल डिस्टेंस, सेम यहाँ पे 10/100 ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि भाई मुझे 100 से यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ भी 100 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे भी 100 से डिवाइड करना है, और ऐसी वैल्यू क्या होगी जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो आप 100 ही क्यों ना ले लो उसको, कि जब आप यहाँ 100 लिखो तो 100 से 100 कैंसिल कितना बचेगा, 30, 100 से 100 कैंसिल कितना बचेगा, 60, 100 से 100 कैंसिल कितना बचेगा, 10 हो गया, इससे अलावा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर में, तो आप क्या मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा टोटल डिस्टेंस, यहाँ बचेगा, इसको क्लियर कर देता हूँ सबको, आई थिंक ये पता चल गया होगा, जैसे कि अगर आप मान लो कि डिस्टेंस आपने मान लिया कि टोटल कितना है, हमने लेट कर लिया 100 है, तो देखो 30/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना माना, 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 30, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 30 km का आएगा। सेम यहाँ पे 60/100 मल्टीप्लाई क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना माना है आपने, 100 माना है, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 60, और सेम यहाँ पे 10/100 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी आपके पास में। अब आपके पास में डिस्टेंस आ चुके हैं, ये 30 है, ये 60 है, एंड ये कितना है आपके पास में, 10,
अब चलो, अब इसके बाद में इसमें देखिए हमें निकालना क्या है, स्पीड आपको गिवन है 20, 40 एंड 10। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 30 किससे ट्रेवल किया गया, 20 किलोमीटर पर आवर से। 30 को डिवाइड कर दो 20 से। क्या इसको सॉल्व करने की नीड है, क्या इसको लिखने की नीड है आप लोगों को? नहीं, आपको पता है कि 30/20 करोगे तो टाइम आएगा 1.5 आवर्स। देखिए नेक्स्ट 60/40, फिर वही बन रहा है क्या, 1.5 आवर्स। मुझे बताओ क्या इसमें कुछ लिखने की नीड है किसी को? नेक्स्ट देखिए 10 एंड 10, ठीक है, 10 एंड 10 कितना आएगा, 1 आवर। तो 1.5 1.5, 3 आवर्स प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 4 आवर। टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस आपने कितना लिया था भाई, 100। ये जो डिस्टेंस था ये आपने कितना लेट किया था, 100। और क्यों किया था ये भी आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 100, टाइम लगा 4 आवर्स, स्पीड कितनी हो गई, 25 किलोमीटर। That's it. ये चीज थी, ठीक है। बताओ इन 6 क्वेश्चंस आपने अभी तक किए हैं, क्या कोई डाउट है, क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। ये आपके 6 क्वेश्चंस थे, अभी और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवरेज स्पीड पे आशीष ड्यूरिंग इज जर्नी ट्रेवल फॉर 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अनदर 30 मिनट at the speed of 50 km per hour and 1 hour at the speed of 50 km per hour and 1 hour at the speed of 60 km per hour. What is his average speed? बड़ा easy question है, थोड़ा सा change कर दिया इस बार question में। Change ये कर दिया है कि इस बार आपको distance नहीं given है, time given है और speed आपको given है। कुछ भी दिक्कत नहीं है इस question में, time and ये speed। तो first 20 minutes के interval में speed कितनी होगी, 30 km per hour। नेक्स्ट 30 मिनट में स्पीड है 50 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 मिनट में स्पीड कितनी होगी आपके पास में, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन आवर में आपके पास में स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट वन आवर में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, दो चीजें, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टाइम इस बार गिवन है आपको, सॉरी ये, एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। और आप सबको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए टाइम कितना होगा यहां पे, 20 मिनट। स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो मिनट्स में, कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, ये हो जाएगा आपके पास में 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस 10 किलोमीटर। सेम ऐसे ही सेकंड। अब देखो हर बार ये चीजें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, ऐसे लिखने की यार आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए यह है 50 किलोमीटर पर आवर और इस 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 30/60 कितना हो जाएगा, 1/2। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 50, कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर 50 किलोमीटर पर आवर, इस बार कुछ चेंज नहीं करना है, आवर में है इधर किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 1 आवर है तो यहाँ भी कुछ नहीं चेंज करना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास में 5, 6 एंड 3, 9, 5, 14, 145 किलोमीटर आपके पास में टोटल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं टाइम की, तो टाइम कितना होगा आपके पास में, टोटल 1 आवर 1 2 हो जाएगा एंड 50 मिनट्स ही हो जाएंगे, तो 2 आवर 50 मिनट आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका टोटल टाइम हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास में, 145 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, बट एवरेज स्पीड एक चीज ध्यान रखना, ये 2 आवर जो 50 मिनट है इसको टोटली क्या कर लो आप, कन्वर्ट कर लो किसके अंदर में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आवर में, इन 50 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लो, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। करना कैसे है, देखो 2 आवर्स तो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ है, 50 मिनट इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 2:5/6 आवर्स। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12+5 कितना हो जाएगा, 17/6 आवर। कैलकुलेट क्या करना था, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है 145 किलोमीटर एंड जो टाइम है वो 17/6 है,
तो ये हो जाएगा 145/17 मल्टीप्लाई बाय 6। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप ऑप्शंस देख रहे हो 51.18 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, किसी बच्चे को एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आई थिंक किसी को कमेंट करने की नीड भी नहीं होगी क्योंकि इतना इजी वे है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है,